रहे हो, लेकिन एक एक गली आपकी इंशाल्लाह हर दिन हम साफ करेंगे। दो कूड़े के आपके कूड़ा घर हैं, इन दोनों को या तो कहीं शिफ्ट कर देंगे, नहीं तो ऐसा कर देंगे कि आपको गंदे नजर नहीं आएंगे और दिखेंगे नहीं। हमें वोट दो। जिस भरोसे के साथ आपने विधानसभा में हमको चुन करके भेजा था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीत कर गया था, ऐसे ही आप ये भी रिकॉर्ड बनाओ। और यकीन मैं दिलाता हूं आपको कि आपसे पहले जो भी चीजें, दो कूड़े के आपके कूड़ा घर हैं, इन दोनों को या तो कहीं शिफ्ट कर देंगे, नहीं तो ऐसा कर देंगे कि आपको गंदे नजर नहीं आएंगे और दिखेंगे नहीं। ये बराबर का नाला है, तीन कनेक्शन दे गए उसमें, टोटल 22 कनेक्शन थे, 28 कनेक्शन थे, 25 कर दिए हमने, तीन रह गए। वो नाला इलेक्शन से पहले उसके अंदर पानी बहना बंद हो जाएगा, तीन दिन लगेंगे उसमें। उस नाले को कवर करके पूरा जो उस रोड पर नाला है वो हम खत्म कर देंगे, ये वाला नाला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सरिता बिहार के अंदर सीवर का पानी जो है सरिता बिहार के अंदर जाना है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट वो है जो अभी नाले वाले रोड पर वो बन रहा है, पूरी मेन लाइन पड़ रही है, इस इलाके को भी पूरा सीवर करके हम लोग वहीं लेकर जाएंगे। तो अभी डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं, 24 घंटे हमने आप लोगों को लाइट दी, मोहल्ला क्लिनिक्स दो शाहीनबाग में मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, एक डिस्पेंसरी शाहीनबाग में है, और जो भी डेवलपमेंट के काम हैं वो उनको हम पूरा करेंगे। तमाम तकलीफें आई, परेशानियां आई, इस मरतबा जो ये छापा इन लोगों ने मेरे, मुझे अरेस्ट किया था और एसीबी ने मारा था, तो ये लोग बर्बाद करना चाहते थे, मुझे पूरी तरह से तबाह करना चाहते थे, AK-47 रखते या पिस्टल्स रखते, कुछ नहीं पता, सिर्फ हथियार की बात करते थे कि तुम पर अवैध हथियार हैं, तुम पर अवैध हथियार हैं। मुझे तो मालूम नहीं था कि उन्होंने छापा मारा, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल साफ सुथरा वहां से निकल कर आया। तकलीफें अभी भी हैं, एसीबी पीछे पड़ी है, ईडी पीछे पड़ी है, उनकी यही कोशिश है कि मैं छोड़ दूं, तो विधायक भी छोड़ दूं, चेयरमैनशिप छोड़ दूं, और ये इनकी आंख में खटकने लगा मैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जिस तरह से मैं चेयरमैन बना, वहां पर तमाम आइम्मा को मैंने वजीफा देने का काम किया, मौजिनों को वजीफा देने का काम किया, तीन तीन वहां पर ऑफिस बना दिए, लोगों की भर्ती की, कोई जमीन कब्जा नहीं होने दी, तो एक पूरा नेक्सस जो था वो मेरे खिलाफ हो गया और ये इनकी आंखों में खटकने लगा। जैसे दिल्ली दंगा था, दिल्ली दंगे में जैसे एलजी का घेराव किया, वहां पर लोगों की मदद की, जो फसाद में लोग फंसे थे उनको निकालने का काम किया, अपने इलाके में जब भी कोई मुसीबत आई मैं खड़ा रहा, उससे पहले दो दो एनकाउंटर यहाँ हुए, स्पेशल सेल ने बेकसूर मुसलमानों का आतंकवाद के नाम पर न जाने कितनी गिरफ्तारियां की, क्राइम ब्रांच घुस जाता था, स्पेशल